When I get fund managers, I look at their last fact sheet and I ask them questions. Yeah. In your case, I'm scared कि आपका last fact sheet बहुत पुराना तो नहीं हो गया, 3 महीने पुराना fact sheet. नहीं, 1 महीने अभी आया. हाँ. 15 दिन हुए होंगे. तीन महीने तारीख है. The reason I ask you this question. पुराना है. The reason I ask you this question is कि normally fund managers do not churn stocks very much. लेकिन आप बहुत churning करते हैं. तो ऐसा क्यों है? मतलब ये क्या, मतलब नॉर्मली बोला जाता है कि एक मिथ है कि आप चर्निंग तभी करते हैं जब आपका कन्विक्शन लो है, लेकिन आप हाई कन्विक्शन स्टॉक में भी चर्न करते हैं. Okay. ऐसा क्यों? So, अच्छा क्वेश्चन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है कि जो आदमी रोटेट करता है उसका कोई कन्विक्शन नहीं है. ओके. हम लोग हर चीज रिस्क के एंगल से करते हैं. पहली बात तो चर्न जैसा कोई कंसेप्ट ग्लोबल पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बुक्स में होता नहीं, हमने इंडिया में बना दिया है. खाली दुनिया में रीबैलेंसिंग का कंसेप्ट होता है. अगर हम डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट है, वर्ल्ड डायनेमिक, तो रीबैलेंसिंग भी डायनेमिक होगा. ओके. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्राइवेट इक्विटी 10 साल में करता है, 5 साल में करता है, कोई 1 साल में करता है, कोई 6 महीने में रीबैलेंसिंग करता है, ट्रेडर इंट्राडे में भी रीबैलेंसिंग करता है. सो अगर हम लोग स्टूडेंट है एडेप्टिव एसेट एलोकेशन, तो हम पूरे मार्केट को समझते हैं कि भाई मार्केट में चल क्या रहा है, मैक्रो कैसा है, उसके हिसाब से हम स्ट्रेटजी बनाएंगे. हमारा स्ट्रेटजी थ्रू आउट द ईयर ऐसा नहीं होगा कि 70-80% हमने पोर्टफोलियो वर्क कर लिया, इंडेक्स को 15-20% मिड स्मॉल डाल दिया, विच इज फाइन. हमारा पूरा पोर्टफोलियो रिस्क ऑन रिस्क ऑफ पे चेंज हो जाता है. अगर डेटा चेंज है तो हमारा पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा. और ऐसे म्यूचुअल फंड हमको टैक्स नहीं आता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं लगता है. तो हम रिस्क मैनेजमेंट का टूल को इफेक्टिवली यूज करते हैं. अगर आज रिस्क ऑन है, जैसे मैंने अक्टूबर में आके बोला रिस्क ऑन एनवायरमेंट आता है, तो हम फ्रंट फुट पे खेलेंगे. उससे पहले रिस्क ऑफ एनवायरमेंट हम बैकफुट में थे. हमारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन बहुत अलग होगा, रिस्क ऑन में बिल्कुल अलग होगा. ओके. आप ऑपरेटिंग लिवरेज फाइनेंशियल लिवरेज वाली कंपनीज खरीदेंगे, रिस्क ऑफ होगा तो मैं डिफेंसिव में चला जाऊंगा. तो जो चर्न का जो थीसिस है ना, फर्स्ट तो मेरे को तो एक टर्मोलॉजी नहीं समझ में आती कि हम लोगों ने क्यों इसको इतना बड़ा कर दिया और हर यूट्यूबर लिख देता चर्न चर्न. तो चर्न इज गुड इफ यू आस्क मी फ्रॉम अ रिस्क पर्सपेक्टिव. ओके. हमारा रिस्क कम होता है अगर हम डायनेमिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट के लोग हैं और एनवायरमेंट के हिसाब से अगर पोर्टफोलियो का चेंज करते हैं तो रिस्क कम होगा और उसी लिए अल्फा आता है. अच्छा, एक चीज